से, जिस जोश से, जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने इस लालगंज की धरती पर मेरा इस्तकबाल किया, इसके लिए मैं आप सभी से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब आई गया हूँ आपके बीच में और आपने मुझे मंच पर खड़ा कर ही दिया और माइक बना ही दिया है, तो मैं कुछ बातों के ऊपर रोशनी जरूर डालना चाहूंगा। देखिए आज के मुल्क के हालात और खासतौर पर प्रदेश के हालात को मद्देनजर रखते हुए हम सबको इस बात को बखूबी समझना होगा कि फिरकापरस्त ताकतें, सांप्रदायिक सोच और विचारधारा के लोग किस तरीके से आज प्रदेश और देश की सत्ता में काबिज बैठे हुए हैं। हम सबको आपसी एकता, भाईचारा, मोहब्बत, प्यार और इखलाक को बढ़ा करके एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ना हिंदू की सरकार है, ना मुसलमान की सरकार है, ये शैतानों की सरकार है। ये सरकार में आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है और देश की सर्वोच्च मूर्ति पर बैठे हुए लोग सिर्फ निंदा करके काम चला रहे हैं। मेरे दोस्तों अब वो दौर आ गया है कि नौजवान अपनी ताकत बुजुर्गों की सरपरस्ती के साथ लेकर के एक ऐसे माहौल की तरफ बढ़े जिससे आने वाला 2019 का लोकसभा चुनाव इस भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद आखिरी लोकसभा चुनाव साबित हो जाए। मैं आप सबसे तो गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी तबके के लोग, चाहे वो माइनॉरिटी के हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज के हो, चाहे वो दलित समाज के हो, चाहे वो फॉरवर्ड समाज के हो, अगर आपके दिल में सच्चाई है, आपके रंगों में वो खून है जो सच का साथ देना चाहता है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मिलकर के एक साथ एक कतार में एक सब में खड़े होके इस बार इन सांप्रदायिक फिरकापरस्त ताकतों को हराने के खिलाफ वोट कीजिएगा और अपने देश के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, संविधान की रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। आज ये स्पोर्ट्स का मैदान है, आपने बताया मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं बखूबी समझ सकता हूँ कि खेल की जिंदगी में क्या अहमियत होती है। तो मैं मेरे नौजवान साथियों आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से खेल के मैदान में दो टीमें आपस में एक दूसरे के सामने अपनी जान लगा करके खड़ी होती है, मगर उस मैच के खत्म होने के बाद ही हाथ मिलाकर, गले मिलकर, सारे गिले शिकवे दूर करके कदम से कदम मिलाकर साथ चलती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक ट्रू स्पोर्ट्समैन की तरह, एक सच्चे इंसान की तरह अपने आपस के बीच के भी गिले शिकवे को दूर करिए और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर, गले मिलकर आगे बढ़िए, क्योंकि आप ही देश का भविष्य है, आप ही वो है जो कल हिंदुस्तान की बेहतर भविष्य की कामना कर सकता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि लोगों के जाति और बंटवारे में मत फंसिएगा, इलाकों के बंटवारे में मत फंसिएगा, धर्म और जातियों के बंटवारे में मत फंसिएगा। बस इतना जान लीजिएगा कि जब कभी भी नुकसान होता है, जब कभी भी कहीं फसाद होता है, जब कभी भी किसी के साथ जुल्म और अत्याचार होता है, ना आपका नुकसान होता है, ना हमारा नुकसान होता है, नुकसान इस आने वाले पूरी नस्लों का होता है। इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर सामने वाला भी कोई गलती करता है और उस गलती को नजरअंदाज करके आप बड़ा भाई होने का फर्ज निभाए, तो मैं यकीनन ये बात कर सकता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल पाएंगे। मेरे दोस्तों लंबी तकरीर हो गई है, एक आखिरी शेर पढ़कर आप जब के इजाजत चाहूंगा कि रगों में जो भी लहू है वो तेरी अमानत है, जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बस है आपका, आपने आके हमारी इस नौजवान पीढ़ी में जो जोश भरा है, शायद आने